Okay, good morning dear student. How are you all? So you all are fine at home now? Okay, so dear student, welcome to the maths online class. So today I'm going to start the unit 9, that is money. Okay, हम लोगों ने सैटरडे को डिस्कस किया था मनी चैप्टर के बारे में. ओके, सो सी हियर, जो मनी जो होती है, जो इंडिया में हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग मनी देते हैं, तभी हम लोग कुछ गुड्स एंड कुछ सर्विसेज करते हैं, है ना. तो मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट मनी वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ, है ना. पैसे के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. सो इंडिया की जो करेंसी होती है वो नोट्स एंड कॉइन्स होती है. सो मनी जो होता है वो करेंसी, हम लोग करेंसी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. तो करेंसी जो होती है वो कॉइन्स एंड रुपीस. इंडिया में इसको सिंबल, ये इंडिया में इसे नोट्स एंड कॉइन्स के नाम से जाने जाते हैं. तो आपके पास भी नोट्स होंगे, कॉइन्स होंगे, आपके घर पे होंगे, आप सब देखे हो मनी को, है ना. पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मनी में, मीन्स मनी, ये जो सिंबल है ये रुपीस का सिंबल है, ठीक है. ये जो सिंबल है इट इज अ सिंबल, इट इज अ सिंबल ऑफ व्हाट, रुपीस, ठीक है. ये जो सिंबल आपको कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब होता है रुपीस. ओके, इसका क्या मतलब होता है, रुपीस. ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर, ऐसे मैंने बनाया एंड वन लिखा, तो इसका मतलब है, ठीक है, ऐसा बनाया तो मीन्स वन रुपी इज इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, वन रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100. ये क्या है, रुपी, मीन्स रुपी वन, रुपी वन इज इक्वल्स टू 100 पैसे. ओके, नाउ रुपी टू इज इक्वल्स टू, जब वन रुपी में 100 पैसे हैं तो 2 रुपी में कितने पैसे होंगे, 2 रुपीज में 200 पैसे होंगे, है ना. ओके, रुपीज फाइव, रुपीज फाइव में कितने होंगे, 500 पैसे, है ना. एंड रुपीज टेन, रुपीज टेन जो है उसमें कितने पैसे होंगे, उसमें 1000 पैसे. ओके, रुपीज टेन में कितने पैसे, 1000 पैसे होंगे. सो इट इज गिवन इन योर बुक. नाउ सी, राइट द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स इन द बॉक्सेस. इसमें आपकी कॉइन्स की क्या लिखना है, वैल्यूज राइट डाउन करना है. नाउ सी हियर, पैसे में आपको इसको राइट डाउन करना है, इन द कॉइन्स, कॉइन्स की 1 and 2 है, ठीक है. सो कैन यू सी दिस, इट इज इजी, इट दिस वन इज सिंबल ऑफ रुपीज, दिस ऑल यू ऑल नो. ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस. कम टू द एक्सरसाइजेस, राइट राइट द वैल्यू ऑफ the coins, write down the values of the coin in the box 6. Okay, सी हेयर, ये कॉइन बना है और इसमें क्या है, 1 रुपीज. एक और कॉइन बना है, इसमें कितने हैं, 2 रुपीज. तो आपको इसको किस में लिखना है, पैसे में, है ना. सो 1 plus 2 is 3 rupees. सो 3 rupees is equals to
300 paise. Okay, 1 plus 2 is 3. So 3 rupees is equals to 300 paise. Okay, now here again see, two coins are there. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, है ना? So 2 plus 2 how many paise? 2 plus 2 is 4. So how many paise? 400 paise. Okay, 400 paise. Now here is rupees 5. 5 का coin बना है. So how many paise? Tell. Yes, 500 paise. Then is 1 and 1. Rupees 1 and 1 means 2. So how many paise? 200 paise. Okay, 200 paise. Now here is 2. Again, how many paise? 60, 200 paise. Okay, now rupees 10. How many paise? 1000 paise. Then is 1, 2, 3. 1, 1, 1 means 300 paise. Then is 5 and 1, hai na? So it is 600 paise. Okay student, do it. Write down fast. Okay student, now write the values. Okay, next question is,
write the value in the box. Okay, so here is rupees 2 minus रुपीज 1. ओके, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? पैसे में. देन इज रुपीज 5 प्लस रुपीज 1 अगेन पैसे. देन इज रुपीज 2 प्लस सॉरी माइनस 2 माइनस 2. ओके, सो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कम्स 1, तो मीन्स 100 पैसे. 5 प्लस 1 कम्स 6, सो 600 पैसे. एंड 2 माइनस 2 मीन्स हाउ मच? 0 पैसे. डू इट दिस ऑन द सेम पेज. Students, okay, done, student. Now see, in your second UT, आपके second UT के exam में chapter means unit 7, 8, and 9 is going to come. Okay, unit 7, 8, and 9 will come in your second UT. ठीक है, तो आप उसके लिए preparation करना start कर दीजिए. और 9 chapter में हम लोगों we all have started the chapter 9. Okay, student? So do it this and keep practicing and learning at home. Be safe. Bye.